इडली बनाने के लिए सबसे पहले यूज में आती है यह राइस वॉशर मशीन। देखिए छोटे होटल्स में जहाँ पर मांग कम है वहाँ पर राइस वॉश हाथों से ही कर सकते हैं, लेकिन जब बात आती है बड़े होटलों में जहाँ पर मांग ज़्यादा है वहाँ पर अधिक क्वांटिटी में चावल धुला जाता है, तो इसके लिए वर्कर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन कुकमेट के द्वारा बनाई गई यह मशीन बस चुटकियों में राइस वॉश कर देती है। सबसे पहले इसमें राइस डाल दीजिए, उसके बाद आप जैसे ही मोटर ऑन करेंगे तो आप देखिए राइस वॉश होना शुरू हो गया है। एक्चुअली इस मशीन में एक मोटर लगा हुआ है जिसके हाई प्रेशर के कारण राइस अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। अब जैसे ही क्लीन हो जाए तो इसे ओपन कर दीजिए और यहाँ देखिए कि एकदम धुला हुआ चावल बाहर आ रहा है। इसका जो भी वेस्ट पानी है वह एक नीचे बर्तन में जाकर कंटेन हो जाता है। इस राइस में जो भी डस्ट या फिर गंदगी थी वह एकदम से साफ हो चुकी है। अब इस चावल और उड़द दाल को 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है जिससे कि यह बिल्कुल अच्छी तरीके से गीला हो जाए। इसके बाद हम चावल और उड़द दाल को अच्छी तरीके से ग्राइंड करते हैं। बहुत सारे लोग ग्राइंड करने के लिए इन मिक्सर का यूज़ करते हैं, लेकिन मिक्सर से वो स्वाद नहीं मिल पाता है जो हमें चाहिए, तो इसके लिए यह ग्राइंडर मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इस मशीन में आप भीगे हुए दाल और चावल को डाल दीजिए, उसके बाद यह मशीन ग्राइंड करना स्टार्ट कर देती है। इस मशीन को बालकृष्ण इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है और इसमें 3 HP का मोटर लगा हुआ है जो कि 930 RPM की स्पीड से चलता है। इतना पावरफुल होने के कारण यह मशीन सिर्फ 1 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक चावल ग्राइंड कर सकती है, तो बड़े लेवल में प्रोडक्शन करने के लिए यह मशीन कितना बेहतरीन काम करेगी आप देख सकते हैं। पहले के समय में हमारी दादी लोग इसे सिलौटी और लोढ़ा से पीसती थी और इन पत्थरों से पीस कर बनाए गए इडली के स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन हाथों से पीसने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए यदि आप घर पर ही इडली डोसा बनाना चाहते हैं तो आप प्रिमार कंपनी की इस वेट ग्राइंडर को यूज़ कर सकते हैं। इस मशीन को ऑन करके भीगे हुए दाल डालते जाइए और यह मशीन ग्राइंड करती जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें 2 स्टोन्स लगे हुए हैं जो कि राउंड करते हैं और इनके राउंडिंग के कारण ही यह दाल अच्छे से ग्राइंड हो रही है। कुछ देर ग्राइंड करने के बाद आप इसमें 2 से 3 कप पानी डाल दीजिए जिससे कि यह थोड़ा पतला हो जाए। और अभी आप देखिए कि हमारी दाल एकदम से ग्राइंड हो चुकी है। अब हम इसमें चावल ग्राइंड करेंगे। एकदम प्रॉपर कंसिस्टेंसी के लिए आप 15 से 20 मिनट ग्राइंड करिए और इसमें भी 2 से 3 कप पानी भी ऐड कर दीजिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि यह काम मिक्सर से भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मिक्सर में जो ब्लेड्स लगे होते हैं वह दाल छोटे छोटे पीस में काटते हैं, लेकिन इस ग्राइंडर में 10 किलो के 2 स्टोन्स लगे हैं जो कि दाल ग्राइंड करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो स्वाद आपको दादी माँ के हाथों से मिलता था सेम वही स्वाद अब आपको इस मशीन से मिल पाएगा। यदि आप इस मशीन को लेना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप अमेजोन से ऑर्डर कर सकते हैं। चावल और दाल ग्राइंड होने के बाद आप देखिए कि हमारा बैटर एकदम से तैयार है। आप चाहे तो फर्मेंटेशन प्रोसेस करने के लिए रख दीजिए, इससे स्वाद और भी बेहतर हो जाता है। और इसके बाद इडली बनाने के लिए इन्हें ट्रे में भरकर स्टीम करते हैं। वैसे 50 से 100 इडली तो आप इडली कुकर में ही स्टीम कर सकते हैं, लेकिन यदि 1000 इडली बनाने हों तो इसके लिए यह टेबल टॉप इडली डिस्पेंसर मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसके हॉपर में बैटर डाल दीजिए, उसके बाद आप जैसे ही मशीन ऑन करेंगे तो यह मशीन ट्रे में बैटर फिल करने लगती है। यदि आप चाहें तो ट्रे के साइज के हिसाब से मशीन को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ ट्रे रखते जाना है और यह एक लाइन से फिल कर दी जाएगी। यह मशीन 1 घंटे में 3000 से अधिक इडली बाउल फिल कर देती है। यदि आप इससे भी बड़ी मशीन लेना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड पैक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई गई यह बैटर फिलिंग मशीन ले सकते हैं। इसमें 5 नोजल लगे हुए हैं जिससे कि एक ही बार में 5 बाउल फिल हो जाते हैं। यह बिल्कुल मेड इन इंडिया मशीन है और इसे चेन्नई में बनाया गया है। यदि आप रेट वगैरह जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल ज़रूर करिए, क्योंकि वीडियो में रेट बताना सही नहीं है। हो सकता है कि इस वीडियो को आप 2 साल बाद देख रहे हों तो तब तक में मशीन्स का रेट बढ़ जाता है। इन सभी ट्रे में फिल करने के बाद अब इन्हें स्टीम किया जाएगा और स्टीम करने के लिए यह इडली स्टीमर प्लांट बहुत ही शानदार है। सबसे पहले इस बॉयलर में पानी डालकर गैस ऑन कर दीजिए जिससे कि स्टीम बनना शुरू हो जाए। अभी आप इन सभी ट्रे को इसमें डाल दीजिए। अब इसको बंद करके स्टीमर चालू कर दीजिए। अभी आप देखिए इडली स्टीम होना शुरू हो गई है, कुछ ही देर में ये एकदम से पक जाएगी। आइए इसे खोल कर देखते हैं और आप देखिए कि एकदम गर्मा गर्म इडली बनकर तैयार है।
यह तो थोड़ी बड़ी मशीन है, लेकिन यदि आप अपने होटल के लिए कोई छोटी मशीन लेना चाहते हैं तो आप इन स्टीमर को ले सकते हैं। इसमें दो मॉडल अवेलेबल हैं, जिसमें कि पहला है यह इंडक्शन इडली स्टीमर। गैस बचाने के लिए यह स्टीमर इंडक्शन पर वर्क करता है। आइए इसमें इडली स्टीम करके देखते हैं। यहाँ पर हमने टाइमर लगा दिया है और साथ में मीटर भी लगा दिया है, जिससे कि यह पता चल सके कि स्टीम करने में कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। देखिए कि सिर्फ 3 मिनट में इस पानी का टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। अब हम इसमें ट्रे रख कर वेट करेंगे। और लगभग 22 मिनट के बाद यह इडली एकदम से पक चुकी है। इसका टेम्परेचर भी देखिए कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और यदि बात की जाए कि इलेक्ट्रिसिटी कितना यूज हुआ, तो लगभग आधे घंटे में इसमें 1.5 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो चुकी है। यह मॉडल तो इंडक्शन पर चलता है और दूसरा मॉडल जो है वो LPG गैस में चलता है। इसमें भी आपको ट्रे रख देना है और जैसे ही आप गैस ऑन कर देंगे तो यह स्टीम होना शुरू हो जाएगा। और लगभग कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि एकदम गर्मा गर्म इडली बनकर तैयार हो गई है। और इसकी क्वालिटी देखिए, एकदम सॉफ्ट बनी है। तो फिर देरी किस चीज़ की है, सांभर चटनी लीजिए और फटाफट खाना शुरू कर दीजिए। इस राइस वॉशर, ग्राइंडर, बैटर फिलिंग और स्टीमर में सबसे बेहतरीन मशीन आपको कौन सी लगी? ऐसी और इंजीनियस मशीन देखने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस चैनल में चाय, पिज्ज़ा, डोसा, मोमोज, लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, जलेबी और यहाँ तक कि कुकिंग करने के लिए भी फुल ऑटोमेटिक मशीन अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार इन सभी मशीन्स को देखिए, क्योंकि यह मशीन घंटों के काम को मिनटों में करके आपके बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ देती हैं। चलिए मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नए और शानदार मशीन वीडियो में।